नमस्ते छात्रों हम व्याकरण का आज कारक यह पाठ पढ़ेंगे जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं कारक के आठ भेद कारक के आठ प्रकार हैं। कारक के आठ प्रकार कर्ता कारक, कर्म कारक करण कारक, संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक संबोधन कारक ये आठ प्रकार है बच्चों एक शब्दों को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है यदि किसी भी शब्दों को बीच से हटा दिया जाए तो वाक्य में अपूर्णता प्राप्त हो जाती अंत वाक्य संरचना को पूर्ण करने के लिए कारक का होना अत्यंत आवश्यक है जैसे सुमित ने रेलगाड़ी से गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की उपरु उपयुक्त वाक्य में ने से की में शब्द द्वारा और क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है इनमें से एक भी शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य संरचना बिगड़ जाएगी एक भी शब्द कम किया तो वाक्य संरचना बिगड़ जाती है जैसे सुमित रेलगाड़ी गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की वाक्य पूर्ण नहीं हुआ इस प्रकार अभी परिभाषा कारक की वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया से क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है इसे कारक कहलाते कारक कारक का शाब्दिक अर्थ, कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाला अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध बनाए बताए उसे कारक कहते हैं अंत संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेष रूप से क्रिया से जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रस्तापित होता है या किया जाता है उस, उस रूप को कारक कहते कारक के आठ भेद आठ प्रकार डायग्राम से हम देख सकते कर्ता कारक कर्म कारक करणकारक संप्रदान कारक अपादान कारक संबंध कारक अधिकरण कारक, संबोध कारक संबोधन कारक कारक किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले को कारक कहते हैं कारक का तात्पर्य है काम को करने वाला जिसके द्वारा क्रिया की जाती है कर्ता कारक का परसर्ग ने है जैसे सचिन ने क्रिकेट खेला है सचिन ने क्रिकेट खेला है कर्ता कारक ने इस प्रकार दूसरा कर्मकारक वाक्य में कर्ता या प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं कर्मकारक का परसर्ग को है जैसे कृष्ण ने कंस को कंस को मार डाला इस प्रकार करण कारक वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं इसका परसर्ग से है जैसे से और है आज राधिका अपनी कार से स्कूल आई थी इस प्रकार से करण कारक यानी से संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं इसका परसर्ग के लिए है जैसे रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट लाया यहाँ के आया है अपादान कारक जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग हो, होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं अपादान कारक का परसर्ग से है से है जैसे मीरा ने पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली संबंधकारक जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रस्तापित होता है वहाँ उसे संबंधकारक कहते हैं संबंधकारक का का की के है जैसे यह मेरी बहन का बैग है इस प्रकार अधिकरण कारक जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकारण कारक कहते हैं अधिकारण कारक पर सर्ग में पर है जैसे चिड़िया घोंसले में है यह अधिकरण कारक में होता है आठवां संबो, संबोधन कारक जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं संबोधन कारक का परसर्ग हे हो रे अरे जैसे छात्रों पीटी व्यायाम के लिए तैयार हो जाओ इस प्रकार हमारा कारक यह पाठ समाप्त हो गया धन्यवाद